हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का स्टडी करेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। नीचे जो दे रखे हैं सब अपरिमेय संख्या दे रखी हैं, इनको परिमेय संख्या के रूप में ब्रेक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/√7, ये नीचे दे रखा है अपरिमेय संख्या √7 है, इसको परिमेय संख्या में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1/√7 इक्वल टू 1/√7। अब क्या करेंगे, √7 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 मिलेगा आपको, और √7 × √7 करेंगे तो 7, तो आपका आंसर आ गया √7/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√7 − √6, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेय करने के लिए यहाँ पर दोनों संख्या √7 और √6 दोनों है परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपरी संख्या का गुणा कर देंगे। ऊपरी मीन्स कर यहाँ माइनस का है तो संख्या का प्लस के साथ गुणा कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए 1/√7 − √6 इक्वल टू 1/√7 − √6, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमने क्या किया, √7 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस बना दिया है, प्लस √6/√7 + √6 का मल्टीप्लाई कर। ध्यान देने योग्य बात ये, अगर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये नियम है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √7 + √6, और यहाँ पर a − b × a + b हो जाएगा a² − b² फार्मूला, इसीलिए √7 + √6/√7² − √6². अब देखिए यहाँ पे √7 + √6, √7² करेंगे 7 आएगा, माइनस √6² करेंगे 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर √7 + √6/1 बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो √7 + √6 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1/√5 + √2। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाना, तो यहाँ नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण करने पर 1/√5 + √2 इक्वल टू 1/√5 + √2। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ देखिए मैं माइनस लगा दिया, यानी √5 − √2/√5 − √2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 − √2, यहाँ पर a + b × a − b फार्मूला हो जाएगा a² − b², इसलिए √5² − √2². अब आपको यहाँ पर मिलेगा √5 − √2, √5² = 5 आएगा, −√2² करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसे √5 − √2/5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि आंसर आप आ गया √5 − √2/3, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट करना है